आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसके 6 स्तंभ कौन से है, 6 पिलर्स ऑफ NLP, जिसके ऊपर पूरा NLP है, जिसका बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है, स्तंभ क्या है, वो हम देखने वाले आज। उसमें सबसे पहला है कि यू मीन्स आप। यदि आप चाहते हैं कि वो होना चाहिए और आप उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार है कि मैं जिम्मेवार हूं और मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, जो भी करना है वो मुझे करना है, मैं उसके लिए कारणीभूत हूं, मैं एक्शन लूंगा, यदि आप तैयार है तो NLP संभव है। तो नंबर एक है मैं खुद या यू। नंबर दो, NLP के कुछ प्री सपोजिशंस है, मतलब NLP को कुछ धारणाएं, NLP का कुछ विश्वास है, दृढ़ विश्वास, या कुछ मार्गदर्शक तत्व है, विश्वास, मार्गदर्शक विश्वास है कि भाई ये प्री सपोजिशन है, ये विश्वास है, ये धारणा है, और उसके ऊपर NLP बेस है। तो नंबर दो है धारणा है, प्री सपोजिशंस। पहला है यू, मतलब मैं खुद या आप। दूसरा है प्री सपोजिशन। तीसरा है रैपो। रैपो मतलब सामने वाले के मन में मेरे बारे में ट्रस्ट तैयार करना, भरोसा तैयार करना, और एक दूसरे से रिश्ते हम दोनों कैसे करते हैं और कितना एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, रिलेटेडनेस कैसा करते हैं, भावनिक संबंध कैसा जोड़ लेते हैं, तो उसको बोलते हैं रैपो। आस्था निर्माण करना, तो उसको बोलते हैं रैपो। तो रैपो ये तीसरी धारणा या तीसरा एक स्तंभ है NLP का। फिर चौथा है आउटकम यानी रिजल्ट्स या परिणाम। NLP में बोलते हैं कि आपको रिजल्ट्स दिखने चाहिए। यदि आउटकम आपको आप मिलते नहीं है तो फिर आप गलत रास्ते पे है, आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। तो आउटकम रिजल्ट्स मिलना जरूरी है। तो आप रिजल्ट्स आपके लेते हैं, आपको कौन से रिजल्ट चाहिए उसके बारे में पहले प्लान, व्यूअर रचना, रणनीति तैयार करते हैं, और वो हिसाब से फिर कि मुझे ये आउटकम चाहिए, ये परिणाम चाहिए, वो हिसाब से आप काम करते। तो चौथा है आउटकम। पांचवा है फीडबैक। NLP में ऐसा बोला जाता है, ये पांचवा स्तंभ जो है फीडबैक, मतलब प्रतिपुष्टि करना। फीडबैक मतलब जो मैं काम कर रहा हूं तो वहां से मुझे फीडबैक लेना है कि भाई मेरा काम सही रास्ते पे चल रहा है क्या। जैसा माइलस्टोन बोलते कि उतना माइलस्टोन मैंने अचीव किया है क्या, माइल का पत्थर कि भाई मैंने इतना इतना काम किया, मुझे इतने रिजल्ट चाहिए थे, तो वो फीडबैक मैंने लेना, क्या मैं सही रास्ते पे हूं क्या। तो प्रतिपुष्टि लेना, फीडबैक लेना जो भी चल रहा है उसका, वो जरूरी है, और वो एक स्तंभ है पांचवा NLP का, फीडबैक प्रतिपुष्टि। और छठवा है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। लचीलापन इसका मतलब ऐसा होता है मैलेबिलिटी या लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। NLP का यह स्तंभ है छठवा, यह ऐसा बोलता है कि भाई आपको यदि कोई रिजल्ट मिलते नहीं है तो आपने एकदम कड़क रह के, रिजिड रह के नहीं चलेगा। आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आपने फ्लेक्सिबल होके, लचीलापन लाके अपने में बदल कर लेना, दूसरा रास्ता कर लेना तय, और बाद में वहां से रिजल्ट हासिल कर लेना। तो हमने हरदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड होके नहीं काम चलता है। तो जहां भी हमको दिखता है कि नहीं जम रहा है काम, नहीं आउटकम मिल रहा है, जहां फीडबैक हमने लिया वो काम नहीं हो रहा है, तुरंत खुद को फ्लेक्सिबल रखने का है, और चलो ये रास्ते रिजल्ट नहीं मिल रहे तो वो रास्ते से हम रिजल्ट लेंगे। तो लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। तो हम ये लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे में लाते हैं, तो डेफिनेटली हमको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये NLP के 6 स्तंभ है, 6 पिलर्स ऑफ NLP। उसमें नंबर एक यू, मतलब मैं, और मैं जिम्मेदार हूं कुछ भी करने के लिए, कुछ भी होता है उसके लिए। दो, प्री सपोजिशंस ऑफ NLP, मतलब धारणा है। नंबर तीन, रेपो भरोसा। नंबर चार, आउटकम परिणाम। नंबर पांच, फीडबैक प्रतिपुष्टि लेना। और नंबर छह, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये 6 स्तंभ जो है, 6 स्तंभ NLP के न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के, ये बहुत जरूरी है। इसके बारे में और आगे वीडियो में बात करूंगा मैं, अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच।